हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 11th का जो आज पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है हमारा स्वतंत्रता, उसका टॉपिक है नकारात्मक एवं सकारात्मक स्वतंत्रता। तो आज इस टॉपिक पर स्माइल 3.0 में वर्क आया हम वो करेंगे। पहला क्वेश्चन है, सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, सकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य है उस स्वतंत्रता से है जिसमें व्यक्ति में कोई काम करने की योग्यता और क्षमता होती है और वो उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र होता है। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति कुछ चाहता है और कर भी सकता है तो उसे वैसा करने से रोका ना जाए, तो इस तरह की स्वतंत्रता क्या कहलाती है? इस तरह की स्वतंत्रता औपचारिक स्वतंत्रता या नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, अहस्तक्षेप के क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? ऐसा क्षेत्र जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप ना हो, अर्थात वह किसी दूसरे व्यक्ति से बाधित ना हो, उसे अहस्तक्षेप के क्षेत्र कहते हैं। चौथा प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा किससे जुड़ा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा है। पांचवा प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो फिल्म निर्माता दीपा मेहता द्वारा विधवाओं पर काशी में जो फिल्म बनाई जा रही थी उस फिल्म को ना बनने देना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध का उदाहरण है। तो इस तरह से बच्चों, आज जो आपका स्माइल 3.0 का वर्क है कंप्लीट होता है। फटाफट वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टेलीग्राम पर लर्न विद वर्क थोड़ा सर्च कर चैनल को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू।